हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम सावरन एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम, बिहार के रहने वाला हूँ और मुंबई में अंधेरी में रहता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ सर, मुझे बताने में बहुत शर्म आ रहा है सर। फिर सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ सर। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ सर। मैं सबसे पहले कि मैं छोट जाति का हूँ सर, बहुत नीच जाति का हूँ सर। रोजी रोटी की तलाश में सर मैं मुंबई आ गया हूँ सर, जहाँ से हमको 200 रुपया मिलता है सर। और गांव में समाज में कहीं भी जाते हैं सर तो मुझे सर बलगा देता है, बोलता है कि तुम छोट जाति का हो, भागो यहाँ से। तो सर मैं भाग के चला जाता हूँ सर, इसलिए सर बहुत मुश्किल से मैं भाग के मैं यहाँ पर आया हूँ मुंबई सर। और जब मैं मुंबई आया हूँ सर तो मुझे बहुत याद आ रही है हमारे गांव, समाज, टोला मोहल्ला, लड़का लड़की, वाइफ, माँ के याद आ रही है सर। मैं कितना बदनसीब हूँ सर, ये दुनिया कितना खराब है सर, मुझे पता अब चला सर। जाति में धर्म में क्या लगा है, सब जाति तो एक ही है सर। और मुझे इस जाति को समझ कर लोग कहते हैं कि भागो भागो सर। सबसे पहले है सर कि मैं आपका सारे का माँ पा के मंच पर आया हूँ सर। मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज छोट जाति समझकर किसी को मत बुरा देखो, दलित को अत्याचार मत करो, क्योंकि वो भी एक इंसान है, आपको भी मालिक बनाया है खुदा भगवान, बनाया हम लोगों की बनाया, इसमें छोट बड़ जाति क्या चीज़ होना चाहिए। तो सर प्लीज मुझे गाने का मौका दीजिए सर, या छोट जाति आपका कुछ कर बहुत दिखाएगा सर मेरे। आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और एक एक व्यूज मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज दलित पर मैं गाना गाऊंगा सर, क्योंकि दलित पर बहुत अत्याचार होता है सर। और मेरी माँ मुझे बहुत खाना खिलाती थी अपने हाथों से सर, मुझे याद आता है वो पल। तो सर मैं क्या करें सर, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ सर कि बहुत मुश्किल से सर मैं यहाँ पर आया हूँ सर। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मैं दलित पर एक गाना गाऊंगा जिसमें आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज शेयर भी करिएगा। ठीक है सर, मैं गाता हूँ सर। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर, बहुत दर्द भरी गाना है सर। आज ये जो गाना सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर। आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रो पड़िएगा सर, पूरे देश रो पड़ेगा सर। प्लीज सर मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सर, पूरे हिंदुस्तान रोएगा सर। Oh, wow, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। ओके सर, कम ऑन ब्रदर, गुड लक। कैसी है कयामत
बिजली दिलों पे गिरी है, बिजली दिलों पे गिरी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत, कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा। ये कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा। नीले कफन तले है, नीले कफन तले है, सोया मसीहा हमारा, सोया मसीहा हमारा। अब कौन है सहारा, अब कौन है सहारा। किस्मत रूठी पड़ी है, किस्मत रूठी पड़ी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। याद आ रही है वो बात सब तुम्हारी, याद आ रही है वो बात सब तुम्हारी। जुल्मों से लड़ लड़ कर, जुल्मों से लड़ लड़ कर किस्मत कौम की सुधारी, किस्मत कौम की सुधारी। घर घर में देखो आज, घर घर में देखो आज, बाती बुझी पड़ी है, बाती बुझी पड़ी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत, देखो वो जल रहा है दलितों का मसीहा। देखो वो जल रहा है दलितों का मसीहा। रो रो के कह रहे बाबा, रो रो के कह रहे बाबा, छोड़ो न संग हमारा, छोड़ो न संग हमारा। हाहाकार सा मचा है, हाहाकार सा मचा है, दिली है दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में,
क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द मुस्कुराते हुए चेहरा। शान के जैसा लगता है ना ये। मुस्कुराता हुआ शान, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सावरन एक्टर है। और क्या करे सर, हंसना तो पड़ता है क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं सर। इस दुनिया में गरीब का कोई मोल नहीं होता है सर। गरीब आदमी के पास दुख और गम के सिवा कुछ नहीं होता है सर। इसलिए हम लोग थोड़ा गम और दुख में हंस लेते हैं, इसलिए कि थोड़ा दुख चला जाए। क्या करते हैं सर? मैं काम भी कर लेता हूँ और सिंगिंग भी कर लेता हूँ। बाकी समय जो बचता है मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। गुड टू सी, लोग सिंगर बनते हैं और साथ साथ में पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि ये मत सोचो कि पढ़ाई काम नहीं आती, पढ़ाई काम आती है। ऑफ कोर्स सर, मैं पढ़ाई और सिंगिंग दोनों करना चाहता हूँ सर। क्या गाओगे? मेरे जीवन पर एक गाना गाऊंगा, जिंदगी की तलाश में। आड़ा गाना लिया है तुम। क्या करे मैम, जिंदगी ही आड़ा चल रहा है। सुनाओ। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए। अपने हालात से डर गए। Oh,
कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी में, जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब